तो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। शाम के 6:10 हो रहे हैं। सुबह से सीन ऐसा था, सो रहा था क्योंकि आज सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे को कहीं जाना था काम से 4 घंटे दूर, फिर वापस आया गया तो दिन भर सोने में निकल गया। शाम के 6:10 हो रहे हैं तो अभी हम लोग देखने निकल रहे हैं मूवी। मूवी का नाम आदि पुरुष। अगर आप लोगों ने भी नहीं देखी तो देखने जाना। खैर मैं तो खुद अब देखने जा रहा हूँ, बट मूवी बहुत औसम है जैसे कि लोग बता रहे हैं, और अपने सनातन धर्म की मूवी है तो देखो, जागरूक हो, करो लोगों को। तो चलते हैं। और आज मौसम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है सुबह से। मतलब मैं जब रूम में सो रहा था ना, सर ऐसी हवा चली जा रही है भाई, चली जा रही है। और अभी भी आपको दिखाता हूँ, रुको। ये देखो गाइस क्या अमेजिंग मौसम हो रहा है फुल। और आज हम 5 लोग मूवी देखने जा रहे हैं, मम्मी, दीदी और मेरे 2 फ्रेंड्स और हैं। तो देखते हैं वहाँ पे क्या माहौल होता है, कैसा माहौल रहता है। बढ़िया जय श्री राम के नारे लगा के फिट कर देंगे वहाँ का सिस्टम हैंगर। चलते हैं। वैसे अभी 6:45 का शो है, 6:12 होली है। दीदी आ रही, कोको को वॉक कराने गई, वो जैसी आ जाएगी निकल जाएंगे। जी आ गए PVR, गाड़ी पार्क कर दी अपन ने। बारिश आ रही है भाई भयंकर, गंदा हो गया, भयंकर बारिश आ रही है। बादल देखो पीछे। इस लिफ्ट में आके ना एक चीज जरूर करके जाना है, यहाँ नहीं बज रहा यार, ये नीचे पूरे रास्ते में बज रहा था। पहले थोड़ा सैनिटाइजर कर लो जी। फाइनली करवा ली चेकिंग वेकिंग और आ गए PVR में भाई। बड़ी मुश्किल से टिकट मिला है, मतलब वो भी अभी भी ना ऊपर से नीचे की 6 रो में मिला है, ऊपर से 6th रो में मिला है, और मतलब टॉप पे नहीं मिल पाया, जबकि पैसे टॉप वाले की थे क्योंकि बुकिंग इतनी ज़्यादा आ रही है, इतनी ज़्यादा आ रही है इसकी कोई हद नहीं। और अभी 6:35 हो चुके हैं, 10 मिनट का टाइम है, तो हम लोग बाहर घूम रहे हैं थोड़ा बहुत। और दुख तो है इस बात का कि पैसे ऊपर वाली सीट के दिए हैं और बैठ 5-6 रो नीचे रहे, पर कोई बात नहीं यार, मूवी देख लेंगे टाइम से। अभी 2-3 दिन ही हुए मूवी का आए हुए। यहाँ पे ले लिया जी कॉम्बो, इसमें अनलिमिटेड, फुल अनलिमिटेड भैया, कितनी बार भी आओ। अगल बगल वाले को भी खिलाऊंगा मैं सबको। एक ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे रिफिल करते हैं, बताओ। हम क्या करते हैं कि ली डोगरी और आगे जाके ट्रे में डाल के वो वापस ले आते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टब को वापस ले आते हैं ट्रे में पॉपकॉर्न डाल के, तो दो सेट हो जाते हैं पॉपकॉर्न के, समझ गए आप सिस्टम। चलो जी आ गया अपना अनलिमिटेड वाला सिस्टम, इसमें माइक्रोवेव वाला भी एक है शेषे, और अपन इसको अभी करते हैं खाली और अभी लाते हैं एक बार और टब। जी ये मम्मी के हाथ में खाली कर दी और ये टब आ गया अपने हाथ में, अभी इसको रिफिल करवाएंगे। अपना चल रहा है रिफिल, बढ़िया बटर टॉपिंग डाल के, भैया भी बटर टॉपिंग डालेंगे इस पर। ये डल गई जी एक और लेयर अपने बटर की, बढ़िया। मंजस खत्म हुई है, अब चालू होगी मूवी। टेढ़ी है ये, हम लोग एम से आर पे आ गए, अंकित है उधर से इधर आ गए भाई। भयंकर बढ़िया सीट ले ली, ऊपर वाली सीट तो और ऊंची है, वो टेढ़ी थी ऊंची है। और मूवी स्टार्ट हो चुकी है, मूवी एंजॉय करते हैं। बढ़िया 3D ग्लास लगा लिया अपन ने, एक नंबर। सियाराम फिर टबले के ऊपर चल जाऊंगा मैं सीट पे। ये लो जी अपना 3rd टाइम भी आ गया। सुग्रीव ही सच्चा राजा, की चलती है वही चलता है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, और चलेगी भी तेरे बाप की। वेरी नाइस। इंटरवल टाइम गाइस, और ये इतने सारे पॉपकॉर्न सब पेल दिए 3 बार। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बेहतरीन डायलॉग। अब जो है मैं 3D में व्लॉगिंग करने वाला हूँ, 3D व्लॉग होएगा पूरा ये वाला।
और मूवी बहुत बढ़िया है अभी तक, अभी इंटरवल हुआ है तो एक बार और पॉपकॉर्न डलवा के लाते हैं। तीन बार तो डलवा लिए, चौथी बार डलवाते हैं, अब अलग फ्लेवर डलवाएंगे और कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं एक बार, तीसरी बार कोल्ड ड्रिंक बजाएंगे। और मूवी बढ़िया इसलिए है क्योंकि बीच बीच में कॉमेडी भी डाली है, डायलॉग्स वगैरह डाले हैं और इस तरीके से मस्त बनाई है, एक नंबर। अपना एक और बार हो गया जी रिफ्रेश, फोर्थ टाइम पॉपकॉर्न और थर्ड टाइम कोल्ड ड्रिंक, 8-9 भाई। मतलब है ना, ये लोग भी भुगत रहे होंगे कि 709 वाला जो कॉम्बो दे दिया ना वो गलत दे दिया। चार बार कर लिया मैंने पॉपकॉर्न को और तीसरी बार कोल्ड ड्रिंक, हद होती है इस चीज़ की भी। खत्म हो गया है तमाशा बिल्कुल मूवी का। हाँ तो गाइस मूवी खत्म हो चुकी है। जेन्युइन रिव्यू देना चाहूंगा मैं आपको एक बहुत जेन्युइन, कि आपकी शक्ल के बारे में बात नहीं हो रही, आप शक्ल बना रहे हो। तो जेन्युइन रिव्यू ये है यार गाइस, अभी मूवी बहुत महंगी कर रखी है, 320 रुपए। यार कौन खर्च करता है इतनी सी स्टोरी की, मेरे से पूछ लेना मैं ही बता दूंगा क्या स्टोरी है। तो 320 करके हम 5 लोगों ने 2000 रुपए खर्च कर दिए, मत करना यार, पैसे बचाओ, मत आओ देखने। जी रात के 10:30 बज चुके हैं, इट्स टाइम टू गो होम। और ये मैंने नया चश्मा लिया है, अरे यार गलती से जेब में रखा ही आ गया रखने में आ गया और जेब में ही रह गया, तो हम निकलते हैं। जी तो गाइस घर पे पहुंच चुके हैं और अभी का सीन ऐसा है कि पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक पी के मन भर गया, तो कुछ अच्छा खाने पीने जाएंगे। और मूवी के लिए बस यही बोलना चाहूंगा यार, ठीक है आप हिंदुत्व को सपोर्ट करने जाना चाहते हो, देखना चाहते हो, जा सकते हो, बट एक चीज मैं आपसे जरूर बोलूंगा, अभी के समय में टिकट इतने महंगे कर रखे हैं क्योंकि कल ही मूवी आई है, तो हम लोगों ने खुद ने 320 रुपए का टिकट देके मूवी देखी है। वर्थ इट लगी क्या दीदी आपको? नहीं, काफी सारी चीजें गलत बता रखी है, काफी सारी चीजें मिस कर रखी है जो रामायण में थी। तो गाइस बस इतनी सी बात है, अधूरी इन्फॉर्मेशन भी है, मूवी की स्क्रिप्ट भी बहुत छोटी सी, मतलब बहुत छोटा सा पार्ट बताया यार, कुछ ऐसा बताते ना कि जो रामायण में भी बताना रह गया हो। कुछ कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए थी जो इतनी इन्फॉर्मेटिव हो। ये जो स्टोरी है ये तो छोटे छोटे बच्चे को सिखा दी जाती है कि यार रावण ने उनको सीता माँ को उठा लिया था और फिर ऐसे ऐसे लड़ाई हुई थी और ये हुआ था, डेट्स इट, वानर सेना लड़ी थी और जीत गए थे। तो यार ऐसा थोड़ी ना होता यार। तो गाइस अभी का सीन यही है, रात के 10:30 बज चुके हैं, इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, लवली डे, शुभ रात्रि, जय श्री राम। कभी ये ट्राई करना बॉम्बे चौपाटी का, यहाँ पे खड़े खड़े जी सर्किल के पास, ये रहा देखो बॉम्बे चौपाटी, एक नंबर, मजा आ जाता है। इसको बोलते हैं फलूदा।